जिले में भरतपुर ब्लॉक के यूसुफपुर में मौजूद उत्तर प्रदेश खाद्यान्न भंडारण निगम के गोदाम में धड़ल्ले से ट्रकों से लदे खाद्यान्न को कांटा करने के नाम पर हनुमान प्रसाद नामक कर्मचारी द्वारा 300 रुपए प्रति ट्रक वसूला जा रहा है। वहीं कुछ ड्राइवरों ने बताया कि कांटा करते समय माल में से 2 से 3 क्विंटल तक शॉर्ट हो जाता है और इसका विरोध करने पर माल वापिस कर दिया जाता है या कांटा खराब होने का बहाना बताया जाता है। इस मामले में जब जिला अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है, फिर भी इसकी जांच कर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। लेकिन 15 दिन से इनका काटा एकदम खराब है। तौल होता है 2 क्विंटल माल ले जाता है। 2 क्विंटल माल शॉर्ट आता है, मतलब आप जब काटा करवाते हैं तो 2 क्विंटल शॉर्ट आता है। और जब खाली ट्रक आप वजन करवाते हैं सर? लोड में माइनस रहता है और खाली में प्लस काटा जाता है इनका। और पैसा कितना लेते हैं काटा करवाए? 300 रुपया। 300 रुपया मतलब एक ट्रक का 300 रुपया लेते हैं। कम पैसा लेता है? अब काटा बाबू लेते हैं हनुमान। काटा बाबू हनुमान लेते हैं। तो इसमें मतलब मैनेजर वगैरह नहीं कुछ चाहते कि पैसा? अब वो मैनेजर जाने, हनुमान से पूछिए, हनुमान जानेंगे, हम लोग नहीं जानते। मतलब ये 300 रुपया लेते हैं और माल भी साठ करते हैं? साठ करते हैं कि नहीं करते? 2 क्विंटल ले साता है ये हम जानते हैं। 15 दिन से ये कांटा खराब चल रहा है। किस जगह से आए आप? सर जी हम लोग गाड़ी लेकर आते हैं, कांटा नहीं हो पाता है ना, खाली होता समय से। कांटा क्यों नहीं हो रहा है? कांटा 15 दिन से खराब चल रहा है, एक घंटा दो घंटा। क्या कह रहे हैं? कहते हैं सही करवाएंगे, जब करा ही नहीं रहे तो क्या मतलब? कांटा सही नहीं हो रहा है? नहीं सही हो रहा है, आज 15 दिन से वही स्थिति है। यहाँ मतलब हर भी आपको करना पड़ेगा? हाँ हाँ, अभी तो कल ही हुआ हम लोगों का नुकसान, आज फिर नुकसान है हो रहा है। आए हैं आज कितना दिन हो गया? आज तो हम आए सुबह। अगर बारिश हो गया जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार हम ही लोगों से कटेगा। जिंदा माल भर के लाते हैं, गाड़ियाँ खड़ी करा लेंगे, हम लोगों से भरवाएंगे और क्या करेंगे। कांटा करवाए पैसा कितना लेते हैं? 300 रुपया। 300 रुपया ये तो कांटा बाबू ही लेते हैं फिलहाल। हनुमान तो मैंने साहब ये सब नहीं पता है कि वो सब आपस में क्या करते हैं। लेते हैं हाँ, ये इस तरह की शिकायत हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। आपके द्वारा अगर हमारे संज्ञान में लाया गया है, हम लोग इतिहास में उसकी जांच करवाएंगे कि ऐसी कोई बात है, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें कार्रवाई बनती जरूरी है।